नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया, किए बड़े ऐलान। रिश्वत मामले में चंडीगढ़ स्थित मनी माजरा महिला SHO जसविंदर कौर हुई लाइन हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस के टीके को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कोरोनिल मामले में जारी किए नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी के खिलाफ दायर दोनों FIR पर लगाई रोक। हरियाणा से बड़ी खबर, भाजपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, कृष्णपाल गुज्जर के नाम पर लगी मोहर। डेरावसी के एग्रो बेहड़ा मीट प्लांट में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव। सोलन सब्जी मंडी में सोने के भाव बिक रहा है, लाल सोने के नाम से विख्यात टमाटर। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चलते देश को छठी बार संबोधन में सबसे अहम घोषणा की, जिसमें गरीब कल्याण योजना, जिसका विस्तार दिवाली तक रहेगा, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलेगा। इसके आगे पीएम मोदी ने देश के किसान और ईमानदार करदाता का धन्यवाद भी किया। चंडीगढ़ स्थित मनीमाजरा थाने में हुई CBI रेड और महिला SHO मनीमाजरा जसविंदर कौर के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद उन्हें ट्रांसफर करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके स्थान पर ट्रैफिक में तैनात इंस्पेक्टर नीरज सरना को SHO मनीमाजरा लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस के टीके को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दवा कोरोनिल को लॉन्च किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी के खिलाफ न्यूज चैनल पर भड़काऊ एंकरिंग करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी के खिलाफ दायर 2 FIR पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा भाजपा में काफी दिनों से नए अध्यक्ष की तलाश मंगलवार को पूरी हुई। सूत्रों की माने तो मनोहर लाल के दावेदार चहेतों पर सबकी नजर टिकी थी, जिसका सस्पेंस मंगलवार दोपहर को खत्म हुआ और सामने आया कृष्णपाल गुर्जर का नाम। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद और केंद्र मंत्री हैं और गुर्जर अध्यक्ष पद संभालने के लिए उन्हें अंतिम मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। मंगलवार को पंजाब के डेराबसी स्थित गांव बेड़ा स्थित मेट्रो एग्रो मीट प्लांट में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 3 दिन पहले वहीं पर काम करने वाली 5 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। कोरोना काल में किसानों को अपने लाल सोना टमाटर के रेट की चिंता सताने लगी थी कि इस बार टमाटर के दाम मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन सोलन की सब्जी मंडी में टमाटर की धमाकेदार एंट्री हुई है। सोलन सब्जी मंडी में 400 रुपए से लेकर 800 रुपए तक टमाटर के प्रति कैरेट बिक रही है। हालांकि किसानों की मांग है कि टमाटर को किलो के हिसाब से बेचा जाए ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। रेट तो बढ़िया है जी, इस बार इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो है रेट मिल पाएगा जी कोरोना के चलते, लेकिन बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है। थ्री से बिलोंग करता हूँ और हमारे सब्जी मंडी डिस्ट्रिक्ट सोलन में कोरोना काल में जो भी हमारी फसल है हिमसोना अच्छा भाव, आज जो मंडी में हाइब्रिड टमाटर का रेट रहा है वो 450 से 550 रुपये और हिमसोना जो है 700 से 850 रुपये रहा है। और जो कोरोना के बारे में है उसका टमाटर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, टमाटर का रेट जो है जिम्मेदारों के लिए बहुत ही बढ़िया है। पिछले साल हमारे पास टमाटर लगभग 3 लाख क्विंटल आया था और इस साल अभी टमाटर को शुरू हुए 3-4 दिन हुए हैं तो टमाटर 11,000 क्विंटल हमारे पास आ चुका है, जिसका किसान भाइयों को रेट 25 से 35 रुपए के बीच में आज गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है कोरोना काल के बीच में भी, जिससे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है स्वावलंबन भारत का, आत्मनिर्भरता का, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।